भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल द्वारा लिखित यह कविता, अपवाद है कि मैथिली शरण गुप्त की है ये कविता। अब जिसकी भी हो, लेकिन इसके जो भाव हैं वो काफ़ी हैं इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए। और ऐसे भाव, ऐसी संरचनाएं, ऐसे क्रांतिकारी जिस देश में पैदा होते हों, उन साहित्यकारों के जहन में खुद ब खुद पनपने लगती हैं। मित्रों, आज मैं शहीद आज़ाद चंद्रशेखर पार्क में हूँ, प्रयागराज। पूर्व में इसका नाम इलाहाबाद था और इस पार्क का पूर्व में नाम अल्फ्रेड पार्क था। तो मित्रों, आज 14 नवंबर है और मैंने सोचा कि क्यों न आज इस मातृभूमि, इस उस पावन वृक्ष का दर्शन किया जाए जिसके अंतिम पलों का गवाह ऐसे क्रांतिकारियों के जीवन का रहा। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद जी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मूँछों पर हाथ फिराना ही काफ़ी था अंग्रेज़ों के अंदर दहशत पैदा करने के लिए। अंग्रेज़ पूरी ज़िंदगी ताउम्र ढूंढते रह गए आज़ाद जी को, लेकिन कभी उन्होंने आज़ाद जी को पकड़ नहीं पाया। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद इस शब्द का अर्थ परिभाषित करने के लिए उनका जीवन दर्शन ही काफ़ी है। मित्रों, में बहुत लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट हो सकता है, पिकनिक पार्क हो सकता है, लेकिन वही भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, और बाल दिवस के मौके पर मैं समझता हूँ कि कुछ शपथ लेने का अवसर है। और बाल दिवस तो कम मेरे लिए इस तीर्थ का दर्शन मेरे जीवन को सार्थक बनाता है। तो इसलिए ऐसे तीर्थस्थल जो हमारे शहीदों ने अपने बलिदान के बाद एक भाव से पैदा कर दिए, ऐसी जगहों के दर्शन आप जरूर करें। और देश के लिए आज भी आप अपना योगदान वैसे ही दे सकते हैं, बस उन भावों को समझने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।